इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिल्ली दौरा। सीएम भजन लाल शर्मा ने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मंत्रिमंडल गठन और ब्यूरोक्रेसी के बदलाव को लेकर कवायद हो रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। कल जयपुर वापस आएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर है। इस बीच उनके साथ दिया कुमारी जो कि डिप्टी सीएम है और साथ ही डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। हालांकि अब जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री आज रात दिल्ली में ही विश्राम करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। हालांकि आज उन्होंने कई दिग्गजों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की, तो वहीं राजनाथ सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने बातचीत की, वहां पर मीटिंग की गई जिसमें कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दरमियान बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की गई, किसको क्या पद दिया जाए, किसका क्या उसे विभाग दिया जाए, कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि अभी इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। तो बीजेपी राजस्थान में जातीय और क्षेत्रीय को लेकर भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। हालांकि इसको लेकर आज चर्चा की गई, डेढ़ घंटा तक ये बैठक चली है। संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साथ ही दोनों ही डिप्टी सीएम फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं, लेकिन आज रात वह दिल्ली में ही रहेंगे और कल वापस जयपुर आएंगे, क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। देखिए बिल्कुल, इच्छा है पूरी तरह से, क्योंकि एक कक्षी कार्यक्रम भी होता है। आप सीएम बने हैं, दोनों डिप्टी सीएम बने हैं, तो तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि अभी जल्द मंत्रिमंडल का गठन होना, इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी का पूरा चेहरा जो चेहरा है वो चेंज करना है। क्योंकि ऋचा, इस बार पार्टी एक नए नवाचारों के साथ काम करना चाहती है, तो पार्टी चाहती है कि जो मंत्रिमंडल का गठन हो चाहे ब्यूरोक्रेसी का चेहरा सामने आए, वो ऐसा है जो जनता का फ्रेंडली हो, योजनाओं को जमीनी धरातल पर ला सके। तो आज की जो तमाम मीटिंग्स आप देख रहे हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे की जो मुलाकात हुई है अलग अलग तमाम नेताओं से, उसमें कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल गठन शीघ्र होने वाला है, 2 से 3 दिन में हो जाएगा, उसको लेकर लगभग फाइनल मोहर लग चुकी है। और कभी भी राजस्थान में 10 से 12, 12 से 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं, उसका भी कार्यक्रम जल्दी शेड्यूल आ सकता है। जहां तक है कि अभी जो बता रहे हैं, कल इनका पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है और इसके बाद फिर वापसी जयपुर होगी। क्योंकि इस बार क्या पर्पज ये है, पार्टी ने तय किया पहले से सरकार ने कि सरकार का चेहरा शुरू से इस तरह का नजर आना चाहिए, जनता को जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में वो कैसे पूरी की जाए, जनता की आकांक्षाओं पर कैसे खरा आप उतरे। क्योंकि ऋचा, आपने देखा होगा पिछली सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भी उठाना पड़ा कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे उनकी वजह से लगातार नाराजगी जनता में बढ़ती गई। लाल फीताशाही का जो शिकंजा था वो कहीं ना कहीं योजनाओं पे नजर आया और उसका आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सरकार ये चाहती है कि इस बार ब्यूरोक्रेसी का इस तरह का चेहरा जनता के सामने आए, कहीं इस तरह की शिकायतें नहीं आए, ना केवल ये कि जमीनी धरातल पर आपकी जो तमाम योजना उतरे, साथ ही चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर शुरू से आप ध्यान रखेंगे, लगाम करके चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आपने देखा वो कर्नाटक में पार्टी को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा कि कहीं ना कहीं प्रचार हो गया कि सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये परसेप्शन जो ना बने और ऐसा जमीनी धरातल पर ना हो, इसलिए आप देखिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से इस मामले को लेकर ऋचा गंभीर है, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इसको लेकर अभी से गंभीरता इस बात को बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो केंद्रीय नेतृत्व में सोचा है, या मैं कह सकता हूँ पीएम मोदी ने जो सोचा है कि किस तरह जमीनी धरातल पर योजना आए और साथ ही
एक नवाचार सियासत में हम कर सकें। खासकर अपन देखते रिश्ता होता है, सरकार आ जाती है कुछ समय ठीक चलता है, लेकिन बाद में वही एक कॉकस नेताओं के आसपास खड़ा हो जाता है, जनता को ना योजनाओं का लाभ मिल पाता है और यहाँ तक कि लोग कार्यकर्ता मायूस अपने आप को पाते हैं, ठगा हुआ पाते हैं, नेता मिल नहीं पाते, भ्रष्टाचार का एक पूरा बोलबाला शुरू हो जाता है। तो ऐसा ना हो, जन कल्याणकारी योजना धरातल पर आए और एक परसेप्शन बने सरकार का, यहाँ ये जनता की सरकार है, इसकी तमाम कवायद आप देख रहे हैं। जी ऋचा, बिल्कुल लाल सिंह, यानी हम मान सकते हैं कि अब जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यानी कि कल सोमवार या फिर मंगलवार को जो कुछ मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की एक्सरसाइज नजर आ रही है तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता। एक्चुअली आपने देखा होगा, दिल्ली जाने से पहले सीएम अजय लाल शर्मा राज्यपाल की मुलाकात करते, तो मुलाकात एक जो डेट होती है, तिथि होती है, उसको लेकर आए, क्योंकि आपको शपथ दिलानी तो राज्यपाल का जयपुर में रहना जरूरी है, तो ये एक बात हुई होगी दोनों नेताओं में कि आपका समय कब मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने मोटे तौर पर उनको समय बता दिया है कि इन तिथियों में आप कभी भी शपथ का कार्यक्रम कर सकते हैं। एक चीज पूरी हो चुकी है, अब दूसरी बात, जो जिन मंत्रियों को आपको शामिल करना उनकी लगभग एक्सरसाइज, इस समय शुरू से कह रहा था कि ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये केवल सीएम फेस को लेकर नहीं हो रही है, डिप्टी सीएम फेस को लेकर नहीं हो रही है, ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी हो रही है। तो ऐसा माना जा रहा है जिन शहरों को लेना है उन पर लगभग फाइनल सहमति बन चुकी है, अब उसको केवल आपको जनता के सामने लाना है, शपथ ग्रहण समारोह में लाना है। तो निश्चित रूप से आप जैसा कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ 2003 में कभी भी शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हो सकता है जल्दी। कल चूंकि आप देखिए रिचा सीधे आएंगे और इसके बाद एक बड़ी मीटिंग सचिवालय में कल सीएम बजरलाल शर्मा लेने वाले हैं, जो पहली बार तमाम विभागों की मीटिंग होगी जिसमें सचिव मौजूद रहेंगे, तो आपको बड़े बदलाव ब्यूरोक्रेसी में कल देखने को मिल सकते हैं। बड़े बदलाव जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, अधिक जानकारी देने के लिए।